हेलो फ्रेंड्स, गोरी स्टिचिंग कान्हा जी ड्रेस चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने कान्हा जी की चोली बनाई है। हमारी चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए, ये 5, 6 और 7 नंबर कान्हा जी को आराम से आएगी चोली। ये देखिए, इस वीडियो में हमने चोली को बनाना सिखाया है। ये नई डिजाइन की चोली है, ये देखिए। और ये 3, 4 नंबर कान्हा जी की चोली है, ये देखिए। ये हमने दूसरे रंग की ऊन से बनाई है, ये देखिए। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए। ये देखिए, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए हम 18 चैन बना लेंगे। ये देखिए, मैंने 21 चैन बना ली है। 21 चैन बनाने के बाद 3 चैन बनाएंगे हम, 1, 2, 3। और ये जो हमने 21 चैन बनाई है, इसमें जाकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से डालेंगे 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए, इस तरह से हर एक चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को पूरी इसी तरह से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हमने ये रो पूरी कर ली है। अब हम चैन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, 3 चैन बनाएंगे। और ये देखिए, 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया के बीच से इस तरह से निकालेंगे यहाँ पर और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से फिर से 3 चैन लेंगे, 2, 3, इस तरह से 1, 2, 3, इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया के बीच से इस तरह चैन देकर इस रो को हम इसी तरह से पूरा करेंगे। वीडियो को आप अच्छे से देखा करिए पूरा, तभी आपकी समझ में आएगा, जो बिगनर्स होते हैं। ये देखिए, कान्हा जी की चोली बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। जब बनाना शुरू करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से फिर से 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद इस तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। ये देखिए, हम दूसरे कलर की ऊन यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से देखिए, फिर से इस तरह से पलट लेंगे। देखिए, और इस होल में ही जा करके इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर 1, 2, 3, 3 चैन लेंगे और इसी होल में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारे 3 की चैन हो गई और एक डबल क्रोशिया बनाया हमने। ये देखिए, इसे मिलाकर 3 डबल क्रोशिया हो गए और ये 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया। ये देखिए, एक ही होल में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं।
नेक्स्ट होल में जाएंगे इस वाले में, देखिए इस तरह से, फिर से इसी में भी एक दो तीन चार। देखिए फ्रेंड्स, गौरी स्टिचिंग कान्हा जी ड्रेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से देखिए इस मायने भी हम इसी तरह से छः डबल क्रोशिया बना लेंगे। इन सभी होल में हम इसी तरह से छः छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को हम पूरा करते हैं फिर हम आपको बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है ये रो पूरी कर ली है। अब हम फिर से चैन बनाएंगे, एक दो तीन, ये तीन चैन बनाएंगे, तीन और एक चार पाँच छः। इसी तरह से हमने छः चैन ली है और यहाँ पर सिंगल क्रोशे से इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर से एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए छः चैन लेंगे और यहाँ पर फिर से हम चैन बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर कर। फिर से एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए इस तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। ये जो कान्हा जी की चोली है ये एकदम नए तरीके से बना रहे हैं, अब तक किसी ने भी इस तरह से कान्हा जी की चोली नहीं बनाई। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच और एक छः, यहाँ पर जाकर इस तरह से इस रो को पूरा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम फिर से इसी कलर का जो धागा है इस तरह से तीन चैन लेंगे और फिर से इसी होल में एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, एक तीन की चैन हो गई तो दो डबल क्रोशिया हो गए, तीन चार पांच डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए, छः सात आठ नौ और ये दस डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे इसी तरह से, इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे। कान्हा जी की चोली बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, इतना सिंपल है, बहुत ही जल्दी बनती है ऐसी कान्हा जी की चोली। देखिए इस तरह से हम 10 10 डबल क्रोशिया हर एक होल में बनाएंगे। चलिए बनाते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रो पूरी कर लिया और इस तरह से इस तरफ धागा छोड़ देंगे। अब हम गले पर जो कान्हा जी के यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक चैन लेकर यहाँ से देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस रो को हम जो गले पर हैं कान्हा जी के इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए हर एक डबल क्रोशिया में इस तरह से इस रो को इसी तरह से पूरा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने गले पर और फिर इस तरह से यहाँ पर हमने लेकर आएंगे हर एक चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसे इसी तरह से पूरा कर लेंगे फिर हम कान्हा जी की जो चोली है उसको पूरा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तीन चैन बना ली है हमने यहाँ पर और फिर नेक्स्ट होल में डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में
ये देखिए, पहले हम इस तरह से देख लेते हैं। ये देखिए, एक होल में 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने, और ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70, 70 चैन है हमारी। और अब हम ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 10 हैं, तो 10 डबल क्रोशे बना लेंगे हम इन पर, और यहाँ पर हम 15 डबल क्रोशे छोड़ देंगे। तो 10 ये और 5 यहाँ से, इनको हम छोड़कर फिर मैं बताऊंगी आपको। देखिए, हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशे बना लेंगे इनके ऊपर। पर रखो जाओ, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 डबल क्रोशे बना लिए हैं ये, और यहाँ पर 10 ये और 5 इधर से, देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, हमने 10 ये और 5 ये देखिए 15वें डबल क्रोशे में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से 20 डबल क्रोशिया बनाकर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 ये रह गए हमारे और 10 ये, 15 हम छोड़कर, ये देखिए यहाँ पर हम इधर, दस डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। ये हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। 5 ये रह गए हमारे और 10 ये, 15 हम छोड़कर, ये देखिए यहाँ पर हम इधर, दस डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। ये हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए हमने इसे थोड़ा थोड़ा बताया है। ये देखिए, ये 5-6 नंबर काना जी को हमारे आराम से आ जाएगी चोली। ये देखिए, ज़्यादा टाइट कपड़े हम काना जी को नहीं पहना सकते, इसीलिए हमने ये इस तरह से बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।